अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे यूसी ब्राउज़र में लिंक एक्सपायर होने पर हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम इसे डाउनलोड रिट्राइंग कर रहा है, देखेंगे क्या ये डाउनलोड रिज्यूम हो पाएगी या नहीं। अगर आप किसी भी बड़े फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आने पर इस मेथड से आप डाउनलोड करेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 10 बार रिट्राई करने के बाद भी ये लिंक एक्सपायर हो चुकी हैं। हम अभी जिस तरह पिछले हमें उस ट्यूटोरियल में दी गई है, चलिए हम इस तरह ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले आप इस लिंक को दबाइए, डिटेल्स पर जाइए और इस फाइल URL को कॉपी कीजिए और यूसी डाउनलोड पर, यहाँ पर लिंक अपने आप पेस्ट हो जाती है, यहाँ पर गो दबा दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसी फाइल को डाउनलोड करना चाहता था, तो अभी आप इस फाइल को डाउनलोड कर दीजिए तो ये फिर एक बार डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। और आप एक, उसने कहा है 200 KB, हम 1-2 MB होने तक रुकते हैं क्योंकि बड़ी फाइल है ये। अभी आप पॉज कर दीजिए। क्लोज कर दीजिए इसे। आप फाइल मैनेजर में जाइए, फाइल मैनेजर में अपने यूसी ब्राउज़र यूसी डाउनलोड्स फोल्डर पर जाइए।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नई डाउनलोडेड फाइल्स हैं और ये पुरानी डाउनलोडेड फाइल्स है, जो अभी ये दो पुरानी डाउनलोडेड फाइल्स हैं तो जो अभी हमें रिज्यूम नहीं मिल रही है इन पर, तो आप लोग चाहे तो इन्हें इन दो फाइल्स को सेफ्टी के लिए आप बैकअप कर सकते हैं कॉपी करके कहीं पर भी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो बर्बाद हो चुके हैं। तो इससे आप पहले क्या करना चाहिए, इस नाम को आप याद रखिए वरना वरना आप एडिट जो अभी हम डाउनलोड चालू कर रहे हैं उसे रीनेम पर जाइए, इस नाम को आप कॉपी कर दीजिए और इन दो नए फाइल्स को डिलीट कर दीजिए। और इन पुराने फाइल्स को रीनेम कर दीजिए और दोनों DL टेम्प उन दोनों को, यहाँ पर जो नाम कॉपी हुए थे उसे पेस्ट कर दीजिए। अभी आप यूसी ब्राउज़र चालू कीजिए, डाउनलोड्स पर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फाइल जहाँ से इनकम्प्लीट हुआ था वहाँ से रिज्यूम हो चुकी हैं। इस तरह आप अपने लिंक एक्सपायर फाइल्स को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से वो डाउनलोड हो रहे थे। इससे हम अपने डाउनलोड्स को बचा सकते हैं और जो मैंने पहले जो दो अपने वीडियोस में नहीं कर पाया था वो यहाँ पर हो चुका है। आप उन दो वीडियोस को लिंक दी गई हैं ऊपर, उन्हें वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी हमारे फाइल डाउनलोड हो चुकी है, होनी चालू हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों, आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि ये डाउनलोड अभी कंप्लीट होने को आ रही है। चलिए इसके डाउनलोड होने के बाद अगर ये फाइल कंप्लीटली अनजिप हो जाए तो ये डाउनलोड सक्सेसफुल मैं मानूँगा। चलिए अभी डाउनलोड हो रही है, अब देख सकते हैं कितने वक्त लिए है इसे डाउनलोड होने में। ऊपर टाइम पर ज़रा नज़र डालिए, ये नज़ारा ये स्पीड मेरे घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। ये स्टेप्स मुझे 3 से 4 बार करनी पड़ी, लिंक एक्सपायर होती रही है। तो क्या इस तरह करने से ये फाइल कम्प्लीटली डाउनलोड होगी, वर्क होगी, हम अभी चेक करेंगे। तो अभी ये डाउनलोड हो चुकी है, चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हम, आप इसे क्लिक करके रार ऐप आप डाउनलोड कर दीजिए, इसका लिंक आपको नीचे दी गई है। यहाँ पर SD कार्ड डेस्टिनेशन में चूज़ करता हूँ, चलिए अगर ये कंप्लीट हो गई तो ये प्रोसेस जो थी
वो सक्सेसफुल हो चुकी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कंप्लीटली ये एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और ये वर्क भी हो रही है। धन्यवाद। आप इस मेथड को फॉलो करके एक्सपायर लिंक की समस्या की हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।